सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में एक मैंने तुमको ग्राफ ड्रॉ करके बताया था और बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से देख लेते। वो ग्राफ था कुछ ऐसा, ठीक है, उसके बाद था कुछ ऐसा, करेक्ट, एंड कुछ था ऐसा एंड ऐसा, ऐसा था वो ग्राफ। ओके, अब ये ग्राफ में मैंने बोला था तुमको एग्जैक्टली याद कैसे रखना है कि कौन सा वाला नेगेटिव है एंड कौन सा वाला पॉजिटिव है। ओके, तो मैंने तुमको क्या बोला था, जो पहला वाला रहेगा तुम्हारा डेल्टा एच वो रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। प्लस के बाद यहाँ पे जो डेल्टा एच रहेगा वो रहेगा माइनस, प्लस माइनस, फिर वापस रहेगा प्लस डेल्टा एच, यहाँ पर रहेगा माइनस डेल्टा एच। ओके, फिर ये माइनस, तो यहाँ पर वापस से माइनस, फिर यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पे प्लस। अगर ये ग्राफ तुम्हारे माइंड में फिट रह गया तो तुम्हारा काम एकदम आसानी से हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये है टेम्परेचर, ये है तुम्हारा डेल्टा जी। ओके, ऊपर है पॉजिटिव एंड नीचे है नेगेटिव, सिंपल सा ग्राफ। ओके, अब इसका अप्लाई करके भी मैंने बताया था, अब एग्जांपल लेके एक बार चेक कर लेते। अगर मैं डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ 100 एंड डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ, सॉरी इसका कंसिडर करता हूँ 200 एंड इसका कंसिडर करता हूँ 100, तो अब चेक करना होगा क्या। अभी मैं एग्जैक्टली लेने जा रहा हूँ केस फर्स्ट कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा एंड डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। अगर डेल्टा जी का अगर तुम लोग फॉर्मूला लगाते हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब चेक करो, डेल्टा एच तो अपन ने पॉजिटिव कंसिडर किया है केस वन के लिए, मतलब मैं लेता हूँ प्लस 200 माइनस टेम्परेचर, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, इनटू डेल्टा एस का वैल्यू है माइनस में, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और ये है 100, दिस इज 100। अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर भी प्लस आने वाला है, ये प्लस 200 प्लस 200 प्लस 400, मतलब टोटल वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी होने दो। इसके लिए यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो टेम्परेचर का लाइन है और ये जो लाइन है ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव ही आ रहा है, ये कोई भी टेम्परेचर पे नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है, मतलब दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कोई भी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हो कि हाई टेम्परेचर हो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, अब केस टू कंसिडर करो, केस टू में क्या है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो माइनस में लेना है, ठीक है, माइनस 200 और यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूला से आएगा, टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, इनटू डेल्टा एस का वैल्यू भी माइनस में लेना है, तो माइनस में लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100। अब देखो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर कंसिडर करता हूँ 1, तो चेक करना आंसर क्या आएगा, माइनस 200 प्लस 100, माइनस 100 आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। यही चीज़ अब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ माइनस 200, अब मैं कर देता हूँ इसको 4 × 100, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 200 प्लस 400, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा प्लस 200, प्लस मतलब पॉजिटिव हो गया, मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। मतलब जब ऐसा क्राइटेरिया दिया रहेगा माइनस डेल्टा एच एंड माइनस डेल्टा एस, तो उस टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर ऐसा क्राइटेरिया है, दोनों ही वैल्यू माइनस में है और टेम्परेचर कम रखा है तुम लोग ने, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, लो टेम्परेचर अप टू दिस पॉइंट तुम्हारा आंसर माइनस में है, ये एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जहाँ पे डेल्टा जी जीरो रहेगा और ये टेम्परेचर के ऊपर तुम्हारा जो रिएक्शन है वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जैसा मैंने इन दोनों के लिए करके बताया, सिमिलरली इनके लिए तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करो तो तुमको ये रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो अब समझ में आया कि ग्राफ को याद कैसे रखना है, सिंपल याद रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस प्लस माइनस याद रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस का अपोजिट माइनस, फिर माइनस माइनस एंड प्लस प्लस, तो ये ग्राफ याद हो जाएगा, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो मैंने टेम्परेचर बोला है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे फाइंड किया जाता है। अब फॉर्मूला तुम्हारे सामने है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर डेल्टा जी जीरो है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी जीरो है, अगर डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर तुमको टेम्परेचर के लिए फाइंड करना है तो रीअरेंज करो, तो ये क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस
इक्वल्स टू डेल्टा एच बन जाएगा, तो टेम्परेचर के लिए क्या बन जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टेम्परेचर के लिए इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, टेम्परेचर के लिए इसका रिलेशन बन जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा टेम्परेचर, मतलब ये वाला टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि ये टेम्परेचर के बाद अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ऐसा है दोनों वैल्यू माइनस में है तो ये टेम्परेचर के बाद रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा और ये टेम्परेचर के पहले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ये वाला है दोनों वैल्यू प्लस प्लस में है तो एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब टेम्परेचर जब तक कम है, ये टेम्परेचर से नीचे है तब तक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, ये टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ये टेम्परेचर पे रिएक्शन रहेगा तुम्हारा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके पहले नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे रहेगा स्पॉन्टेनियस क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो यहाँ पे टेम्परेचर का अपन ने रिलेशन कैसे निकाला समझ में आया, टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ओके, ये था सिंपल सा चीज। अब बात करते हैं गिव फंक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक, इसके बाद बस थोड़े से न्यूमेरिकल एंड चैप्टर खत्म। ओके, तो गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब बात को ध्यान से समझना, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब सीधी सी बात है ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड रहेगा। ओके, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड रहेगा। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, प्लस आर टी एल एन क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ये जो क्यू है, ये जो क्यू है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अभी सपोज करो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं ए ए प्लस बी बी, और ये प्रोडक्ट दे रहा है सी सी प्लस डी डी। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम लोग डेल्टा जी का ये फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, तो जो क्यू है ये क्यू क्या बनेगा, क्यू का वैल्यू देखो, ये क्यू जो है वो रहेगा जैसे तुम लोग इक्विलिब्रियम का लिखते थे ना कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है रेस टू उसका कोएफिशिएंट इन टू यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है रेस टू इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में रिएक्टेंट का, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रेस टू उसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है रेस टू इट्स कोएफिशिएंट। सिमिलरली तुम लोग ऐसे ही लिखते थे इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट, तो उसके जैसा ही लिखना है क्यू, बस अब ये वैल्यू पुट कर देना तुमको ये इक्वेशन में डेल्टा जी में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, बस क्यू की जगह पे ये पुट कर दो सी सी इंटू डी डी डिवाइडेड बाय ए ए इंटू बी बी, बस तुमको यहाँ पे ये चीज़ बस पुट करना है और आंसर लेके आना है, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई ये चीज़? यहाँ पे कुछ भी एकदम हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ओके, अगर तुम लोग एकदम इक्विलिब्रियम पे चले जाते हो, तुम लोग इक्विलिब्रियम पे चले जाते हो तो ये क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्यू सी की जगह पे क्या आ जाएगा, के सी आ जाएगा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर अगर तुम लोग इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। अब तुमको डेल्टा जी नॉट के लिए भी निकालना पड़ेगा रिलेशन, सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस आर टी एल एन के सी, और अगर तुमको नेचुरल लॉग निकाल देना है तो इसके जगह पे तुमको पुट करना पड़ेगा वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू, माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 लॉग टू द बेस 10 के सी। अब यहाँ पे तुम्हारा जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू गिवन रहेगा यहाँ पे पुट करो और आंसर निकाल दो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है डेल्टा जी नॉट का, किसका, एट इक्विलिब्रियम रहेगा तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू रहेगा माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी, लॉग टू द बेस 10 के सी। ठीक है, ये डिराइव भी कर दिया अपन ने, छोटा सा इसका डेरिवेशन था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कब यूज़ करोगे, जब तुम लोग का इक्विलिब्रियम ने दिया रहेगा तब तब डेल्टा जी जीरो रहेगा और इसका वैल्यू गिवन रहेगा तुमको रिएक्शन में। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ था, कुछ था नहीं इसमें। ओके, अब चेक कर लेते हैं इसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए है वो अपन चेक कर लेते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्टेट वेदर फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, यहाँ पे तुमको बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, चलो,
तो कुछ गिवन दिया है तुमको, गिवन यहाँ पे दिया है कि जो डेल्टा एच है वो है -110 किलो जूल, डेल्टा एच इज -110 किलो जूल। डेल्टा एस का वैल्यू दिया है +40 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन एट 400 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू भी गिवन है। तो अब डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है -110 माइनस टेम्परेचर गिवन है 400 इंटू डेल्टा एस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज +40। ओके कर लो सर, इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग टोटल आंसर क्या मिलेगा, टोटल आंसर मिलेगा यहाँ पे -110 किलो जूल -400 इंटू 40। बट यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे दिया है ये किलो जूल में और यहाँ पे दिया है तुमको जूल में, तो यहाँ पे गलती मत कर देना। यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 10^-3। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा तुमको 10^-3, तभी ये जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर पाओगे तुम लोग। सीधी सी बात है, क्योंकि किलो जूल में रहेगा तभी तो तुम लोग को वैल्यू सेम मिलेगा, यूनिट सेम मिलेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन याद रखना है, 10^-3 लेना पड़ेगा क्योंकि ये जूल में दिया है, तो इसको किलो जूल में करने के लिए 10^-3 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे इतने पार्ट को तो आंसर आ जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 16 किलो जूल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -126 किलो जूल। और अगर तुम्हारा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज नेगेटिव। और अब इसने पूछा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एज वेल एज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी कंडीशंस दे के रखे हैं तुमको। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच दिया है +50 किलो जूल। डेल्टा एस दिया है तुमको -130 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ओके, एंड टेम्परेचर दे के रखा है 250, टेम्परेचर दे के रखा है 250 केल्विन। यहाँ पे भी उसने वही चीज़ किया है, यहाँ पे किलो जूल है, यहाँ पे जूल है, तो गलती मत करना, पहले इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच प्लस में दिया है +50 माइनस टेम्परेचर दिया है 250 और डेल्टा एस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 130 इंटू 10^-3 करना मत भूलना, जूल में है तो किलो जूल में कर लो। और यहाँ पे तुम लोग टोटली ये चीज़ को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 50 किलो जूल प्लस इसका टोटल आंसर आ जाएगा 32.5 किलो जूल। तो टोटल वैल्यू आ जाएगा +82.5 किलो जूल। अब प्लस में आ रहा है मतलब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है पूछा तो डेल्टा जी का वैल्यू प्लस है, मतलब रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा देखे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा देखे रखा है जहाँ पे उसने पूछा है कि डेल्टा एच तुमको दिया है। ओके, डेल्टा एच नॉट गिवन है तुम लोग को -224 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट भी गिवन है -153 जूल पर केल्विन। और पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑकर, मतलब यहाँ पे तुमको टेम्परेचर पूछा है। तो फॉर्मूला तो अब भी निकाला अपन ने, टी इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। ओके, तो पुट कर दो वैल्यूज, डेल्टा एच नॉट क्या है -224 एंड डेल्टा एस क्या है -153, बट यहाँ पे दिया है किलो जूल, यहाँ पे दिया है जूल। छोटी छोटी मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 10^-3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा प्लस में, सीधी सी बात है कि माइनस माइनस कट होगा तो प्लस ही आएगा, 1464 केल्विन। तो अभी चेक करना 1464 केल्विन, और अभी मैंने तुम लोग को जस्ट ग्राफ बताया था कि अगर दोनों चीज़ें नेगेटिव में हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव में हैं, किधर का नेगेटिव वाला अपना ये रहा, दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव में है। तो जब दोनों चीज़ें नेगेटिव में है तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तुमको मिल गया 1464
1464। अब 1464 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये रिएक्शन रहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर 1464 के नीचे टेम्परेचर रहेगा तो तुम्हारा रिएक्शन रहेगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, टेम्परेचर का आंसर आया 1464। तो बिलो रहना चाहिए कि अबो रहना चाहिए टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, इसके लिए ग्राफ जरूरी है। तो आंसर आएगा द टेम्परेचर शुड बी बिलो 1464 केल्विन, बिलो 1464, तभी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। देखो ये चीज़ नेगेटिव में कब जा रही है, ये पॉइंट की इस साइड, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो टेम्परेचर बिलो रहना चाहिए, और अगर अबो लिखा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा अबो में। ठीक है, क्लियर हुआ है चीज़? ओके, एकदम सिंपल सा चीज़ था, कुछ था नहीं इस रिएक्शन में। ओके, तो ऐसे सिंपल सिंपल सम्स आते हैं जो तुम लोग को सॉल्व करने हैं एग्जाम में, दो दो तीन तीन मार्क के लिए। ओके, तो ये तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो, डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।